बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्पायर किचन। आज मैं आपको दही जमाना बता रही हूँ कि दही को हम किस तरह अच्छा और मोटा जमा सकते हैं। तो ये मैंने 3 पाव दूध ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। दूध को अब हम उबालने के लिए रख देते हैं। दूध को उबालने के लिए रख दिया हमने। अब इसमें जब अच्छी तरह उबाल आएंगे 2 से 3 दफ़ा, तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें, दूध को उबाला आ गया अच्छी तरह। अब मैं इसको 1 मिनट तक और उबाले दिलवाऊंगी। एक उबाला दिलवा के आपने चूल्हा नहीं बंद कर देना, इसको 2 से 3 उबाले आपने जो दिलवा। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये देखिए, मैंने परात में पानी ले लिया और उसमें पतीली रख दी है ताकि हमारा ये दूध है जल्दी से नीम गर्म हो जाए। इस तरह आपने दूध को 3-4 दफ़ा फेंकना। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें उंगली डिप करें तो वो बर्दाश्त कर ले। ये हो गया। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। मैंने एक स्टील का ले लिया बर्तन और अब मैं ये दूध इसमें डाल दूँ। ये देखिए, ये दूध हो गया। इतना नीम गर्म है कि मेरी उंगली इसको बर्दाश्त कर लिया। तो हम ये 1 चम्मच दही लेंगे और इसी में से थोड़ा सा दूध लेके और ये इसमें डाल। दही इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह, तो हल्के हाथों से आपने मिक्स कर देना। देखिए, ये झाग ऊपर आई हुई है ना, ये इसकी इंशाल्लाह देखिएगा कितनी अच्छी है दही जमेगी। अब ये बर्तन ढक्कन ले लिया मैंने स्टील का और ये कपड़ा, इसको हम इस तरह कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दें। ये देखिए, ये जो कल हमने दही जमाया था कितना माशाल्लाह सही जम गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बाजार से भी अच्छा दही माशाल्लाह जम गया। जरूर ट्राई कीजिएगा और आपने दूध अच्छा दूध जो है ना खुला लेना और अच्छी क्वालिटी का लेना, इसमें पानी नहीं शामिल करना। अगर दूध अच्छा होगा तो दही भी बहुत अच्छी जमेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जरूर अच्छा जमेगा दही आपका भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर। अल्लाह हाफिज़।